हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंज्यूमर ईबीएस। मेरा नाम है विक्रम प्रसाद और आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अप्रिलिया SXR 125 BS6 वेरिएंट के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लेकर जाएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, SXR 125 डिज़ाइन के मामले में SXR 160 से बिल्कुल सिमिलर है। बस सिर्फ एक चेंज यही है कि इसमें आपको 125cc का इंजन लगा हुआ है, बाकी लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज और फीचर वाइज बिल्कुल सेम टू सेम अप्रिलिया SXR से मैच करती है ये स्कूटर। सबसे पहले तो आप देख लो, इसका ब्लैक कलर का विंडस्क्रीन काफ़ी अच्छा है, बड़ा है और विंड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। इस स्कूटर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका हेडलैम्प बिल्कुल एकदम स्पोर्ट्स बाइक की तरह दिखता है, और ये जो स्कूटर है मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में आती है। एक तरीके से कहें तो ये स्कूटर कम्पीट करती है बर्गमैन 125 के साथ और एंटॉर्क 125 के साथ, जो रेस एडिशन है। बाकी इसमें फीचर वाइज बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो प्रैक्टिकल डेली लाइफ में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसके टायर प्रोफाइल और ब्रेक्स के साथ। तो यहाँ पे अभी आपको 220 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ, बाकी SXR 160 में आपको ABS मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जो टायर प्रोफाइल है सेम टू सेम SXR 160 के जैसा, 120x70 के 12 इंचेस MRF के जैपर हैं, रीइंफोर्स ट्यूबलेस टायर, काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन और ग्रिप रहता है। बाकी अलॉय व्हील का भी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, 5-spoke अलॉय व्हील डिज़ाइन आपको मिलता है जो मेटालिक फिनिश में मिलता है, काफ़ी अच्छा ग्रे कलर की टेक्सचर आपको मिलती है व्हील्स के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों साइड बॉडी में भी ब्लैक कलर के डिज़ाइन एलिमेंट्स काफ़ी खूबसूरत बना देते हैं इसको, साइड की तरफ से भी काफ़ी अच्छा ब्लैक टेक्सचर आप देख सकते हो। बाकी नीचे बॉडी तरफ में आपको स्टिकर फॉर्म में अप्रिलिया की ब्रांडिंग मिल जाती है, इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट मिलता है ब्लैक कलर की फिनिश में। बाकी इंजन की बात की जाए तो ये आपको सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 3-valve फ्यूल इंजेक्टेड 125cc BS6 इंजन जो 9.4 BHP की मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है और 9.2 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। इस स्कूटर की जो टॉप स्पीड होने वाली है वो 95 किलोमीटर पर आवर की रहेगी, और इसको आप किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों से ही ऑन कर सकते हो। यहाँ पे रियर का टायर प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम टू सेम 120x70 के 12 इंचेस ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। बाकी पीछे की तरफ से आपको साइड की तरफ देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्पोर्टी एग्जॉस्ट डिज़ाइन मिलता है। SXR 125 की ब्रांडिंग है स्टिकर फॉर्म में, अगर ये एम्ब्लेम वाले फिनिश में रहती, खास करके क्रोम फिनिश में, तो और खूबसूरत लगती। बाकी सीट के ऊपर रेड और वाइट कलर की स्टिचिंग मिलती है, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग सीट आपको मिल जाती है इसमें। बाकी इसके प्राइस की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में इसका एक शोरूम प्राइस है 1,18,540 रुपीज़, और इसके ऑन रोड प्राइस वेस्ट बंगाल में बात की जाए तो 1,40,000 रुपीज़ इसका ऑन रोड प्राइस है। अपने सिटी में अगर आप प्राइस पता करना चाहते हो तो अपने नज़दीकी अप्रिलिया डीलरशिप को कॉन्टैक्ट करिए या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिए। बात की जाए दोस्तों इसके हैंडल बार क्वालिटी की, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत और ब्लैक कलर की फिनिशिंग में मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ब्रेक लीवर काफ़ी अच्छा ब्लैक कलर की फिनिश में है, मिरर वगैरह भी आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं। बाकी पास लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न के स्विच, ये सब काफ़ी अच्छा टच मटेरियल का आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे मोड और इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन आप देख सकते हो। एक चीज़ मिसिंग यहाँ पे आपको मिलती है, वो है इंजन किल स्विच। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता अगर यहाँ पे इंजन किल स्विच और एक लगा दिया जाता अप्रिलिया के थ्रू। बाकी पीछे की तरफ ग्रैब रेल भी आपको काफ़ी चौड़ा डिज़ाइन आपको मिलता है इसमें। बूट स्पेस की बात की जाए या फिर कहें तो अंडर सीट स्टोरेज की, तो 21 लीटर की स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, बूट लाइट भी मिल जाती है। बाकी पेट्रोल टैंक आपको 7 लीटर का मिल जाता है। यहाँ पे आप एक हाफ फेस हेलमेट बहुत ही ईजिली रख सकते हो। इसके अलावा बैटरी क्रेसिंग वाला एरिया यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी चाबी का डिज़ाइन भी बिल्कुल जैसा नॉर्मल अप्रिलिया के स्कूटर्स में रहता है वैसे ही आपको यहाँ पे भी मिलता है। यूटिलिटी हुक मिल जाता है, 5 kg की कैपेसिटी है इसकी। बाकी ग्लव बॉक्स है इसके अंदर, USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाती है। और कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो टोटल 4 कलर ऑप्शन मिलती है। अभी आप देख रहे हो ग्लॉसी रेड कलर, इसके अलावा ग्लॉसी वाइट, मैट ब्लू और मैट ब्लैक कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये चारों कलर आपको SXR 160 में भी अवेलेबल हो जाते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एडवांस्ड और सबसे फीचर लोडेड चीज़, इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। तो वाइट कलर की बैकलाइट सबसे पहले आप देख लो, टेल्टेड लाइट्स ऊपर की तरफ मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर गेज मिल जाता है और यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है आपको, रियल टाइम माइलेज भी आप यहाँ पर देख सकते हो।
स्पीडोमीटर मिलता है और किलोमीटर पर आवर में रीडिंग मिलती है, टैकोमीटर है, बाकी क्लॉक मिल जाती है, दो ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जैसे फीचर मिलते हैं और इसको आप मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। DRL मिल जाते हैं और पीछे की साइड आप देखोगे तो फुल LED यहाँ पे आपको टेल लैंप मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत और नीटली डिज़ाइंड ये आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम एप्रिलिया SXR 125 के अंदर। बाकी यहाँ पे लाइट्स वगैरह, ब्लिंकर्स वगैरह काफ़ी अच्छे, एकदम टॉप नॉच प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे मिलते हैं और लाइट्स वगैरह भी आपको देख सकते हो। ट्राई LED हेडलैम्प मिल जाती है, इसकी हाई बीम, लो बीम वगैरह बहुत ही अच्छी और शानदार क्वालिटी की मिल जाती है यहाँ पे। बाकी लाइट्स वगैरह के मामले में एकदम बेस्ट क्वालिटी की मिल जाती है, अभी तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी 125cc स्कूटर है अप्रिलिया SXR 125 BS6 वेरिएंट। बाकी इसमें जो फ्यूल टैंक है 7 लीटर्स का, उससे आप इससे फुल टैंक रेंज अप्रॉक्स 280 किलोमीटर्स तक की अचीव कर सकते हो और सिटी राइड, हाईवे राइड कंडीशन में प्रैक्टिकल राइडिंग के हिसाब से 45 किलोमीटर्स पर लीटर तक की माइलेज अचीव कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है कंसिडरिंग 125cc स्कूटर। बाकी ये जो कम्पीट करती है बर्गमैन और एंटॉक से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये स्कूटर अच्छी लगती है बर्गमैन और एंटॉक से, ज़रूर बताइए, आपको मैं दिल दूंगा कमेंट में। बाकी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली, फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह फैला दें इसको। यूट्यूब पे ये सेकेंड वीडियो है अप्रिलिया SXR 125 की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।